अगर उस परिवार में से अगर एक ही भी साधना बन गई, पूरा पूरे परिवार तिर गया, पूरे परिवार का इलाज कर देगा, पड़ोसियों का भी इलाज कर देगा, औरों का भी इलाज कर देगा। कोई दिया नहीं जलाना, कोई आरती नहीं करनी, कोई घंटी नहीं बजानी, कोई प्रसाद नहीं चढ़ाना, सिर्फ बाबा जी के फोटो के सामने शिव भोले के नाम लेके बैठना है, मात्र 5-7 मिनट उनका ध्यान करना है। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भान भैया मंगत राय लामा की राम राम नमस्ते जैन। और भाई फिलहाल बैठे हम राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों के पास बहादुरगढ़ में, और हमारे पास बैठे हैं महाराज सोमवीर जी, और फिर बहुत सी ऐसे पर्सन हैं जो तुम्हारे मेरे दर्शकों के, और जो जो चीज़ है वो आपने पूछी वो बताऊंगा मैं सब। वीडियो को पूरी देखना तभी आपको समझ में आएगा, आप थोड़ी सी वीडियो देखते हैं फ़ोन कर लेते हैं, समझें आज कि वास्तव में बाबा जी दर्शन देते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं, आपके घर के हर संकट को फिल्म की तरह दिखाते हैं, बिल्कुल जैसे स्क्रीन पे रील चल रही है ऐसे दिखाते हैं, बिल्कुल खुद देखिए अपने बच्चों को, किसी को भी घर में किसी को भी दिखाई दे सकते हैं, और अपने संकटों को अपने दुखों का निवारण खुद बाबा जी से कही बाबा जी ऐसे कर दो वैसे ही बाबा जी करेंगे। और भाई बाल रूप में ज़्यादातर बच्चों को दर्शन देते हैं, बड़ों को भी देते हैं, सिर्फ साधना की बात है, और सोमवीर जी महाराज से सारी बात पूछेंगे। तो सबसे पहले तो जय बाबा जी की, जय गुरुदेव, जय बाबा जी महाराज जी। महाराज बहुत से लोगों के प्रश्न हैं, क्या बोले भाई हजारों साल तपस्या कर लेते हैं, सैकड़ों साल तपस्या कर लेते हैं, वनों में बाबा जी हैं, तो कोई धुनों में तपस्या करता है, कोई जल धारा करता है, कोई कुछ करता है, तो भी भगवान की प्राप्ति या किसी देवता की प्राप्ति या किसी भूत प्रेत की प्राप्ति भी नहीं होती है। यहाँ पर ऐसा क्या चमत्कार है कि एक बार आते ही बैठते हैं साधना पे और आप आशीर्वाद देते हैं और उसको सब कुछ दिखाई देना, बाबा जी उसको साक्षात दिखाई देने लग जाते हैं, ऐसा क्या चमत्कार है? आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों के चरणों में प्रार्थना। लामा साहब ये एक प्रेम भक्ति है, ये मेरे गुरु की कृपा है और उन संतों की कृपा है और जो यहाँ पे पूजा पाठ करते उनकी कृपा है। आप शास्त्र उठा के देख लीजिएगा, अगर हम तपस्या, आप बोल रहे हैं कि तपस्या के बारे में, तो तपस्या के बारे में अगर हम तपस्या करते हैं तो थोड़ा बहुत हमारे घमंड हो सकता है। जो प्रेम भक्ति है, प्रेम भक्ति के द्वारा ही दर्शन हो सकता है महाराज, शास्त्र ने बताया है। और हमारे जितने भी रसिक संत हुए हैं आप खुद देख लीजिए ना, शास्त्र में देख लीजिए, आजकल तो मोबाइल चलाया हुआ है, अपने मोबाइल में पढ़ लीजिए कि हमारे रसिक संतों ने परमात्मा को किस तरह पाया है, शिव को किस तरह से पाया है, एक प्रेम भक्ति से पाया है। हमारे संस्कार ठीक हों, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बाबा जी आचरण ठीक हो, आचरण ठीक हो महाराज, ऐसा है हमारे कर्म से, हमारी वाणी से, हमारे मन से किसी का बुरा ना होए, बस इससे बड़ी कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाबा जी बिल्कुल राइट दर्शन देंगे आपको। अच्छा जी हाँ, मेरा तो प्रश्न जो है वो अपनी जगह पे अडिग है बीवी, कि लोगों को तसल्ली ही नहीं होती कि भाई इतनी भक्ति करने वालों को नहीं मिलता और यहाँ पर 5 मिनट साधना में बैठने से मिल जाता है, तो ऐसी कौन सी साधना देते हैं आप, उस साधना के बारे में मेरे दर्शकों को बताएं। लामा जी हम लोगों को फैमिली से ही बुलाते हैं, हमारा कोई ये नहीं कि भी हम किसी फैमिली को परेशान करें, भी पूरी फैमिली आए नहीं चाहते, पर एक कारण है इसमें, अगर फैमिली में 4 मेंबर यहाँ आए हैं तो बाबा जी कृपा किसकी साधना बना दे, अगर उस परिवार में से अगर एक ही भी साधना बन गई, पूरे परिवार तिर गया, पूरे परिवार का इलाज कर देगा, पड़ोसियों का भी इलाज कर देगा, औरों का भी इलाज कर देगा। रही साधना के बारे में बात, ये एक भक्ति मार्ग है, मैंने कई बार कहा कि ये प्रेम मार्ग है महाराज, ठीक, किसकी साधना वो बाबा जी कर पाए महाराज, किसकी साधना कब कैसे क्या बनाएगा वो बाबा जी कर पाए, आपका काम बाबा जी 100% करेंगे, ये जरूरी है महाराज। यानी दर्शन दो चाहे ना दो, यदि साधना करोगे तो यानी के वो संकट आपको जरूर दिखाई देंगे, संकट भी दिखाई देंगे, आपका काम भी करेंगे, जो आप बाबा जी से वंदना प्रार्थना करेंगे, जो आपके अच्छे के लिए काम है वो बिल्कुल बाबा जी करेंगे, दर्शनों की प्रॉब्लम वो तो आपकी भक्ति के ऊपर डिपेंड है महाराज। यानी किसी से दुश्मनी कारण नहीं हो तो कौन कारण दे बाबा, ऐसा कुछ नहीं, जो तो बाबा वांगड़ मारेगा सीधे, बिल्कुल नहीं करेंगे किसी भी तरह से कोई भी बाबा जी की लाइन में बुराई को तो एक बिल्कुल दूर हटा करके चलिए आप, ठीक, हमने स्वप्न में भी दुश्मन का बुरा नहीं समझना है, ठीक, उसका भी बाबा जी से भले के लिए ही प्रार्थना करनी है, उनके लिए भी, अगर आप दुश्मन के लिए भी भले के लिए प्रार्थना करते हैं बाबा जी से तो आपका काम बिल्कुल सही करेंगे, बिल्कुल संकट को आपके सामने दिखाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको जोत बत्ती की जरूरत नहीं है, आप बाबा जी के पास वंदना प्रार्थना के पास 10 मिनट 15 मिनट बैठिए, एक नियम से बैठिए, गृहस्थी में ये जरूरी नहीं कि बाबा बनाया भक्ति करनी, क्रम जरूरी है, बाबा जी खुद आपको, अगर आपसे बातचीत है बाबा जी की,
आपकी भक्ति है, तो आपको बाबा जी बोल के भी बता देंगे, दर्शन दे करके भी बताएंगे भाई कर्म जरूरी है, आप कर्म करिए, पूजा पे आप 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बैठिए आप जी। एक बाबा अमर सिंह पवन की जो भक्ति देते हैं, इसमें एक दूसरी लाइन में हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, वो अपना वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरी लाइन के लोग हैं, वो उनका काम है, वो भ्रमित भी कर रहे हैं, मैंने देखा भी है ऐसा कि वो दूसरी लाइन के लोग हैं, भाई शराब भी चढ़वाते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, भक्तों पे भी ऐसी चीज़ें मंगवाते हैं, क्या आपके पास तो ऐसा नहीं है? ये शास्त्र विरुद्ध पूजा है, शास्त्र सम्मत पूजा नहीं है, ये एक सात्विक पूजा है। जो आपके घर में जैसे सभी लोग भोग लगाते हैं परमात्मा को भाई, जो भी मिर्च रोटी है, जो भी कुछ है, कोई फूल पत्ते कोई जरूरी नहीं है। लम्बा समय में कई बार अभी भी बोला, प्रेम भक्ति में इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। मीरा ने भी प्रेम भक्ति की थी, कर्मेती ने भी प्रेम भक्ति की थी, जयदेव ने भी प्रेम भक्ति की थी, ठीक, सभी हमारे संतों ने, विवेकानंद ने भी प्रेम भक्ति की थी, कहीं जोत जलाई या धुआं ही लगाया हमारे विवेकानंद जी ने, ठीक। ये एक प्रेम भक्ति है और परमात्मा का प्रेम के द्वारा ही पाया जाता है, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, तो ऐसे ही होता है। तो लोग कहते हैं कि ये शिव का नाम कहते हैं, बाबा बर्फानी बोलते थे इनको, बाबा अमर सिंह पवन बर्फानी बोल देते हैं लोग, कईयों के पर्सनल कमेंट भी आते हैं कि ये शिव नहीं, शिव बोला, शिव कैसे कह सकते हैं इसको, ये तो एक कोई और ही बाबा था, और ही बाबा है, तो ऐसा बोलते हैं, इसका खुलासा कीजिए थोड़ी शब्दों में। नहीं नहीं, लामा साहब आपको पता कि भगवान के अरबों करोड़ों नाम है, किसी भी नाम से पुकारिए, प्रेम से आप कुछ भी बोलिए, ठीक, वो उनकी समझ है, वो क्या समझते हैं भगवान को, लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। यानी शिव अवतार है, ये भी शिव का ही नाम, लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लोग क्या कहते हैं, लोगों ने तो लोगों का काम है कहना, लोगों का काम कहना है। कभी इनसे बात करके देखिएगा ना, वो बात करके देखें परमात्मा से, क्या परमात्मा तो कण कण में है, परमात्मा आप में भी है, वहाँ भी है, चारों तरफ तो परमात्मा है, जड़ चेतन हर चीज़ में परमात्मा है, तो हम कैसे कह दें ये क्या है, ठीक। बिल्कुल, तो अब जैसे मैं आखिरी, मेरा पर्सन से बहुत गुड पर्सन है, यो है कि लोग भूत से, प्रेत से, जिन से, संकटों से, घर में तबाही, लड़ाई झगड़े, बिजनेस नहीं चलना, किसी तरह की मतलब आफत आ जाना, कोई गरीबी से जूझ रहा है, कोई किसी का घाटा हो गया व्यापार में, क्या सभी चीज़ों का समाधान बाबा जी कर देते हैं? भक्ति के अनुसार, कर्म के अनुसार महाराज। अच्छा। कर्म के अनुसार, ठीक है। न्यू कहे भूत प्रेत इत्यादि स्थल सौदा जो घर में संकट है, तो सेकंड आ काम से बाबा का। महाराज आप भी अनजान है इसमें, ठीक ना, और जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं वो भी अनजान है, वो भी अनजान है महाराज, प्रैक्टिकल नहीं है। अगर गुंगे के ये सरकरा जिन खाई तिन बताई बात से, वह गुंगे की डाल गुड़ खावे बेरा को पटक मीठा था खारा बता कौन सके, वही बात है कौन है। हाँ जी बिल्कुल वही बात है, जो करके देखेगा महाराज, अगर नेगेटिव सिस्टम है, संकट है, कोई भी जिंद है, भूत है, प्रेत है आपके सामने, जब आप वंदना प्रार्थना करेंगे, जब आप साधना पे बैठेंगे, बाबा जी प्रार्थना करेंगे कि बाबा जी कृपा करो मेरे घर पे क्या परेशानी है, तो आमने सामने दिखाएंगे महाराज। आप बाबा जी से बोलोगे बाबा जी इसको बांधो, बांधेंगे, आप जैसे कहोगे रस्सी से बांधो, बेल से बांधो, त्रिशूल से मारो, बिल्कुल, और नाम सहित आप उनसे नाम भी पूछ सकते हो, कहाँ से आप बाबा जी से प्रार्थना करोगे बाबा जी इसको कहीं खड़े में फेंक दो, कड़े में फेंक देंगे, यानी कि कोई भी जिंद भूत प्रेत अगर किसी भी तांत्रिक के वश में नहीं है वो, लामा साहब भोले से कौन टकर सकता है? सही बात, इससे बड़ा तो गोरी से है कोई, इससे बड़ा कोई गोरी नहीं है, इससे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं, इससे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं, इससे बड़ा कोई साधक नहीं, इससे बड़ा कोई साधक नहीं, इससे बड़ा कोई योगी नहीं, इससे बड़ा कोई योगी नहीं, जब सब कुछ आपके पास में है तो किस बात की शंका है? हर चीज भूत प्रेत जिंद जो भी कुछ है संकट है उसने बिल्कुल आपके सामने दिखाएंगे, अगर आपके काम धंधे में अगर आप प्रार्थना करेंगे, नियत से अगर प्रार्थना करेंगे तो बाबा जी बिल्कुल काम करेंगे आपका, जो आपने बिजनेस के लिए पूछा, काम धंधे के लिए पूछा, ठीक, बिल्कुल एकदम से। या फोन पे ये पूछना चाहें कि गुरुजी क्या मेरे घर में कोई संकट है, फोन पे बिल्कुल नहीं बताएंगे आपके घर में क्या परेशानी है, हमारा 24 घंटे हम दरबार में नहीं है, किसी को अंधविश्वास में नहीं, अंधविश्वास कोई भी फोन करके ये ना पूछे कि हमारे घर में क्या परेशानी है, आप हमारे से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, भी साधना किस तरह से करनी, क्या करना क्या नहीं करना, या यहाँ आना पड़ेगा, या सुनील दास जी बाहर देश के किसी भी कोने में घर पे जाकर साधना देख आते हैं, आप उनके नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो सुनील दास जी मतलब घर में जाके साधना देख के आते हैं, तो उसका तो किराया भाड़ा खर्चा देना पड़ता होगा उसको। हाँ, आने जाने का किराया भाड़ा भाई, और ट्रेन से दक्षिणा भी। हाँ बिल्कुल, ट्रेन से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, यानी कि ऐसा तो नहीं कि
कोई फिक्स प्राइस हो आपका, फिक्स रेट से हमारा, हम बाहर जावांगे तो 11,000 लेंगे, 21,000 लेंगे, 51,000 लेंगे, तो वो साधक या जो शिष्य होता है आपके, उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर होता है, कैसे होता है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आने जाने का किराया, ठीक, जैसे सुनील दास जी वृंदावन से चले भाई, वहाँ से ई रिक्शा पकड़ा, जमुना घाट तक आए, वहाँ से थ्री व्हीलर पकड़ा, फिर रोड तक आए, फिर वहाँ से पकड़ा, फिर बस में आए, ठीक, इस तरह यानी जो किराया लगता है वो किराया लगे भाई। बिल्कुल बढ़िया बात सर भाई, है अब यदि गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, तो भाई बढ़िया ट्रेन हो आजकल, उनमें भी किराया जिस हिसाब का किराया होता है, स्लीपर में टिकट मिलता नहीं है, कभी कभी जल्दबाजी में आना जाना पड़ता है, तो जहाज से भी जाना पड़ता है? नहीं नहीं जहाज से नहीं, तो जो आजकल एसी बस चल रही है, तो हाँ, क्योंकि टाइम से वो बस नहीं मिल पाती थी, ये मिल जाती है, इसमें भी आ सकता है महाराज। बिल्कुल भाई, देखिए वो तो खर्चा है, वो तो आप 5-7 लोग घर के आएंगे सदस्य, और भगत जी अकेले आएंगे, तो आपका फायदा ही होगा, नुकसान को नहीं हो, और अपने घर में खूब घंटा दो घंटा आपको अच्छी साधना बना दी, यहाँ पर तो शायद कई बार आपने 10 मिनट या 15 मिनट मिल पाऊँ, लेकिन घर पर आपको पूरी मतलब समय मिलेगा, आप पूरी तरह पूछ सकते हैं, आप पूरी तरह आप अपना साधना बनवा सकते हैं। तो सर यहाँ पर क्या लेके आना पड़ता है, या कुछ किस तरह की क्या प्रोसीजर है यहाँ का, ये और बताइए। लामा साहब कुछ नहीं लेके आना, बिल्कुल खाली अपने हाथ पैरों से चल के आए यहाँ, ठीक, भाव होना चाहिए महाराज, ठीक, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ, शायद कमेंट भी किया होगा कि हमारा हमारी साधना नहीं बनी, जिसका जैसा भाव है महाराज, उसी ढंग से बाबा जी का ट्राई लेना होगा, तो ट्राई ले ही चले जाओ भाई, ट्राई लेके जाएगा, आओ वेलकम है, सबके लिए वेलकम है, बिल्कुल, जो इसके आगे दंडवत प्रणा है उनकी बिल्कुल साधना यहीं से 80% इलाज करके यहीं से भेज देते हैं बाबा जी, नहीं तो महाराज हम झाड़ा भी लगा सकते हैं, भभूत भी लगा सकते हैं, परंतु हमें पता है कि ये नेचुरल नहीं है, ये सही नहीं है, इसे ठीक नहीं होगा महाराज, अगर आपके पेट में दर्द है दवाई आपको ही लेनी पड़ेगी, भजन भोजन कई चीज़ें ये खुद करनी पड़ती है, ये गलत फहमी में ना रहें कि कोई लोग किसी का इलाज कर देगा महाराज, ठीक, डॉक्टर महाराज डॉक्टर है, डॉक्टर बिल्कुल इलाज कर सकता है शारीरिक बीमारी है, क्योंकि उसने 10 साल तपस्या की है, एक MBBS 10 साल तपस्या करता है, 1 करोड़ रुपये खर्च करता है, वो उसका वजन और उसकी पूजा है, वो उसके द्वारा कर सकता है महाराज, नहीं तो भगत महाराज जो एक संत महाराज है, संत के तो खाली दर्शन से ही भला हो जाता है, भला हो जाता है, परंतु यहाँ पे साधक को गृहस्थी को महाराज खुद 10 मिनट की भक्ति करनी पड़ेगी, अपने घर का इलाज खुद करना पड़ेगा, कोई संकट जिन कुछ नहीं रहेगा, सामने दिखाया करेंगे। तो भाई सुनील जी और बैठे दो बात, तो सुनील जी तो और कर लिया, नमस्कार जी, नमस्कार। तो सुनील जी पहले, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि बाबा जी के आप लेके बाबा जी को देने के लिए किसी के घर में जाते हैं, हाँ, तो किन नंबरों पे संपर्क करें आपसे? भाई ऐसा है, जो मेरे गुरु के नंबर है उस पे भी, और आप या मेरे पे भी कर सकते हैं जी। अच्छा जी, हाँ जी, तो आप भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं? हाँ जा सकता हूँ, जो बुलाएगा फ़ोन करके या भाई एड्रेस मेरे पास भेजा है तो मैं जा सकता हूँ जी। तो उसमें क्या करना पड़ता है, जैसे पहले आपके पास किराया तो भेजना पड़ेगा उसको? हाँ जी, किराया भेजना पड़ेगा जी, पहले भाई फोन पे के द्वारा या गूगल पे के द्वारा इनके पास किराया भेजें तो ही आपके पास आएंगे ये, ऐसे नहीं, कई बार हो चुका है ये कि बुला लेते हैं आप आ जाओ और ये किराया ला के चले जाएं, फिर फोन ने को उठाऊँ अगले, ऐसा भी हुआ है कई बार, भाई हम रात को भी पहुँचते हैं कोई 2-2.5 बजे वे फोन नहीं उठाते हैं, फिर कई बार प्लेटफार्म पे रात को भटकना पड़ता है, अब फिर सुबह फ़ोन करते हैं जब फ़ोन उठाते हैं सुबह। तो भाई देखिए आप बुलाते हैं तो इनका किराया खर्चा भेजना पड़ेगा आपको, और शनिवार और एतवार दो दिन यहाँ पर दरबार लगता है, शनिवार और एतवार को ही फ़ोन करके आएँ, फ़ोन करके आएँ जी, शनिवार एतवार, शुक्रवार को पहले कॉल करें, फिर उसके बाद गुरु जी आपको बताएँगे किस दिन आना है किस दिन नहीं जी, ठीक है जी, हाँ जी। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया, और देखते हैं लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, नमस्कार, जय हिंद, जय बाबा।